this in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day. So guys, today we have Vivo V27 और आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। एंड इस वी सीरीज ने वीवो को बहुत फेमस किया है मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस किया है। सो लेट्स गो। सबसे पहले हमारे पास एक टिपिकल फोन केस, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी का है, एंड देन सम डॉक्यूमेंटेशंस जिसे पढ़ता कोई नहीं है, एंड टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल, एंड अ सिम इजेक्टर टूल, सबसे यूनिक है वीवो का, एंड अ 66 वॉट एडाप्टर जो आपके फोन को 6 मंथ तक चार्ज कर देगा। बॉक्स साइड में रखते हैं। 7.36 mm थिकनेस के साथ आता है ये फोन। सो लेट्स ब्रिंग आउट द फोन और लुक एट द फोन, लुक एट द कलर। और ये कलर धूप में ले जाने के बाद अपना कलर चेंज कर देता है। तो चलो हम इसे अपने तरीके से चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कैसे होता है ये कलर चेंज। जिस एरिया पे यूवी लैंप जा रहा है उस एरिया का कलर चेंज है सिर्फ, जो हमने कवर कर रखा है उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो गाइस, फोन के बॉटम एरिया में स्पीकर ग्रिल्स, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और एक सिम ट्रे होगा। फोन का लेफ्ट एरिया पूरा क्लीन है, नो बटन्स, एंड फोन के ऊपर नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन है। तो गाइस, फोन के राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन्स एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स होंगे। तो गाइस, फोन को हम सेटअप कर लेते हैं और इसके यूनिक फीचर्स कुछ और आपको बताते हैं। और राउंड डिस्प्ले होने की वजह से फोन इन हैंड फीलिंग बहुत अच्छी है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 6.78 इंचेस की 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट है। सो ओवरऑल सही है, वैल्यू फॉर मनी। सो गाइस, आवर सेटअप इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। और अगर आपके हाथ थोड़े छोटे हैं मेरी तरह तो फोन थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा हाथों में। एंड गाइस, लुक एट द चिन, बहुत पतली चिन है नीचे से, बहुत पतली। और साइड बेजल्स राउंड डिस्प्ले की वजह से नॉन एग्जिस्टिंग है, पता ही नहीं चल रहा कि साइड बेजल्स हैवी कि नहीं है। स्क्रीन साइज बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा है, 6.78 इंच की डिस्प्ले है। डिस्प्ले थोड़ी बड़ी है ही, बट राउंड डिस्प्ले और चिन ये 97% डिस्प्ले है पूरे फोन में। सो गाइस, बात करते हैं कैमरे की, तो 50 मेगापिक्सल का OIS सोनी IMX766V का कैमरा है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। बात करते हैं गाइस फ्रंट कैमरा की, तो 50 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा आता है। फोन के वीडियो सपोर्ट 30fps तक फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में होती है। सो ये चीज थोड़ी यूनिक है अभी तक। गाइस, बात करते हैं प्रोसेसर की, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 का प्रोसेसर है जो कि 4 नैनोमीटर पर वर्क करता है। और गाइस, ये प्रोसेसर एक फ्लैगशिप फोन के प्रोसेसर के आसपास वाला प्रोसेसर है। सो कमाल है। एंड ग्राफिक प्रोसेसर की यूनिट माली G610 का है। सो कमाल। बात करते हैं फोन के एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, तो LPDDR5 का रैम टाइप है, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है, 66 वॉट का फ्लैश चार्जर, एक बड़ा चार्जर है, 19 मिनट में 50% चार्ज कर देगा फोन को। ड्यूल नैनो सिम के साथ ये फोन आता है। IP रेटिंग IP54 है, यहाँ थोड़ा बेहतर काम हो सकता था बट कोई बात नहीं। सो फिंगरप्रिंट टेस्ट कर लेते हैं हम। फिंगरप्रिंट स्पीड बहुत अच्छी है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। सो लेट्स ट्राई, फास्ट है, नो प्रॉब्लम, फास्ट है। सो गाइस, कुछ कैमरा टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितने रात छुपाए बैठा है ये फोन। एंड इसमें एक फीचर है पोर्ट्रेट मोड में, इंडियन वेडिंग फीचर। पोर्ट्रेट मोड में इफेक्ट्स में जाएंगे आप तो इंडियन वेडिंग फीचर नाम से एक इफेक्ट है, उसे आप ट्राई जरूर करना। कहीं भी शादी में जाते हो, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो, ट्राई जरूर करना, बहुत कमाल की फोटो आएगी। और ये एक पार्टी फीचर्स है जिसे मैंने फोटो खींची है अभी, और टिल्ट करा है फोन को हल्का सा और बैकग्राउंड हल्का सेक होकर, एंड लुक एट द इफेक्ट। ये चीज़ें हैं जो अलग करती है वीवो को, वी सीरीज को सबसे अलग करती है। लुक एट द इफेक्ट गाइस,
कुछ भी अलग से नहीं है, ये फोन में ही है। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। फन टच ओएस बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13 एंड दैट्स इट।